वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सु चेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कल रात आज के प्रवचन का विषय क्या हो, इसका विचार करते समय मैंने पद्यमाला जो ग्रंथ है अपना, जिसके अंदर प्रभु महाराज के, मनोहर माणिक प्रभु महाराज के, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के इत्यादि काव्य जो हैं, पद जो हैं संग्रहित हैं, उनको एक सरसरी निगाह से मैंने देखना शुरू किया और विचार ये था कि प्रभु महाराज के लगभग 300 पद हैं, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के भी करीब 250 पद हैं, इन 700-800 हजार पदों में ये जो गुरु परंपरा है वो क्या बताना चाहती है, क्योंकि पद अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, भाव अलग अलग हैं, छंद अलग अलग हैं, धुन अलग अलग है, इतना सब होते हुए भी मैं एक ऐसे धागे को ढूंढने का प्रयास कर रहा था जो इस पद्यमाला में समान रूप से सभी पदों के अंदर वो भाव हो। तो मेरी निगाह जो है सबसे पहले गणपति की जो आरती है उसके ऊपर गई, क्योंकि प्रारंभ तो गणपति से ही करते हैं। तो गणपति की आरती में अंत में प्रभु महाराज कहते हैं, माणिक दास शरण तुज पार्वती बाड़ा। और वहां मेरी दृष्टि जो है वो शरण शब्द पर अटक गई, शरण शब्द पर मेरी दृष्टि अटक गई। अब उसके बाद मैंने जैसे जैसे छानना शुरू किया पदों को, अनेकानेक पदों में मेरे ख्याल से कुछ 50 से अधिक बार उस पद्यमाला में शरण शब्द आया है। जैसे गुरुवार का भजन है, गुरुवार के भजन में अत्यंत प्रसिद्ध पद है क्या, म्हणूनी बरे झाले सद्गुरुला शरण रिघाले। फिर मैंने शनिवार का भजन देखा, उसमें जो है उसमें एक पद है साष्टांग प्रणिपात तया माधा के, उसमें भी प्रभु महाराज कहते हैं माणिक शरण अनन्य तया। फिर वो पातकी घातकी जो अष्टक है वो देखा, उसके अंदर क्या है, पातकी शरणागत हो ये जरी गुण दोष न जानी सी मुक्त करी, वहां भी शरणागत की बात। दत्तात्रेय की आरती देखी, अनन्य भावे शरण दीन माणिक नामी, वहां भी शरण शब्द है। तो इस तरह से प्रभु महाराज के पदों में सर्वत्र जो है अनेक पदों में शरण शब्द आया है। राम होउनी राम गारे रामासी शरण रिघारी, दशरथ सुत राम त्यजुनी शरण कुणा जाऊ, वहां भी शरण शब्द है। और अत्यंत प्रसिद्ध पद है नंद मुकुंद मुरारी साबड़ा गोकुड़ा तहरी आला हो, उसको देखा तो वहां क्या कहते हैं प्रभु महाराज कि माणिक मणे प्रभु शरण तया जा ध्याति मुनिजन जाला हो।
वहां भी शरण शब्द है। मनोहर माणिक्रो महाराज के पद देखे, उसमें अत्यंत प्रसिद्ध सखया जावे निज गुरु चरणा शरणा झड़क। जो महाराष्ट्र के मातन माणिक्रो महाराज के पद देखे, उसमें क्या, उसमें देखा कि शरण जा बोध चिन्ह मार्तांड स्वरूपा पूर्ण तुम्ही जाना। अनेक पद आता जाई रे शरण जरी धरी सी चरण दूर जन्म मरण करी गुरु ची कृपा अवधूता शरण रिघाले देहीच ब्रह्म सुख पड़े। तो इस तरह से अनेक पदों में अनेक स्थानों पर उस संपूर्ण पद्यमाला में 50 से अधिक बार मेरे ख्याल से, मैंने गिना नहीं, मेरा अंदाजा यह है, अनुमान है कि 50 से अधिक बार शरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरा एक दृष्टिकोण ऐसा बना कि प्रभु महाराज जो हैं वो शरणागति के भाव पर इम्फेसिस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। आप लोगों ने कोर्ट के जो फैसले होते देखे कभी, किसी ने कोर्ट का ऑर्डर फैसला देखा आप लोगों? वो क्या होता है, मान लीजिए कोर्ट का कोई फैसला है, वो जो फैसला होता है वो 25 पेज का, 20 पेज का, 15 पेज का, कभी कभी 100 पेज का, 500 पेज का भी फैसला होता है। सारी हिस्ट्री लिखी हुई होती, किसने क्या आर्ग्यू किया, किसने क्या एविडेंस दिया, किसने क्या बोला, कौन वकील क्या बोला, सब लिखा होता। अंत में एक वाक्य होता अंत में, इन व्यू ऑफ द अबव द पिटिशन इज अलाउड, अथवा इन व्यू ऑफ द अबव द पिटिशन इज रिजेक्टेड। उसको हमारी साधारण भाषा में हम बॉटम लाइन कहते, सारांश। 110 पेज में जो फैसला जज साहब ने सुनाया उसका सारांश क्या है, पिटिशन इज अलाउड अथवा पिटिशन इज, उसको बॉटम लाइन कहते हैं। तो हमारे जो प्रभु महाराज के सारे पद हैं उनका बॉटम लाइन क्या है, शरणागति, शरणागति है वो बॉटम लाइन। और गीता का बॉटम लाइन क्या है, भगवद गीता का, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया। ठीक है, भगवद गीता के पहले अध्याय से उपदेश नहीं है, पहले अध्याय में युद्ध की व्यूह रचना का वर्णन वगैरह है, अर्जुन के शोक का वर्णन है, अर्जुन के मोह का वर्णन है, और अंततः दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। अच्छा, कहां जाके समाप्त हुआ, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, 18th chapter 66th श्लोक, वहां जाके भगवद गीता का उपदेश, भगवद गीता समाप्त नहीं हुई, भगवद गीता में भगवान का उपदेश वहां समाप्त हुआ। उस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दी एंड, उपदेश वहां समाप्त। तो भगवद गीता का बॉटम लाइन क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इतने 18 अध्याय गीता पढ़ने के बाद अगर एक उपदेश, उसका निचोड़ अगर निकाला जाए, सारी गीता को अगर निचोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, माम एकम शरणम व्रज। ये बड़ा महत्व का है। पहली बात क्या, मेरी शरण में आओ, माम, माम यानी मेरी शरण में आओ, एकम मुझे अकेले की शरण में आओ, ये बड़ा महत्व का। हम क्या करते हैं, इथ झालत झालं नाही तर तिथ बघूया, तिथ न झालत तिथ बघूया, है ना। भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, माम एकम और शरणम रज, शरण में आओ। ठीक है, तो हमारे प्रभु महाराज के सांप्रदायिक वाङ्मय की बॉटम लाइन क्या, तो शरणागत। भगवद गीता की बॉटम लाइन क्या, शरणागत। अध्यात्म में विशेषकर भक्ति में शरणागति का बड़ा महत्व है, शरणागति जो है ये बहुत महत्व है।
और शरण शरण शब्द का अर्थ क्या है आपको मालूम? शरण शब्द का अर्थ अंग्रेजी में शरण शब्द के लिए, शरणागति के लिए क्या शब्द है? सरेंडर, सरेंडर शब्द, सरेंडर। अब मैंने डिक्शनरी निकाल के देखी, सरेंडर, सरेंडर यानी क्या? सरेंडर मीन्स द एक्ट ऑफ यील्डिंग टू द पावर ऑफ अनदर और द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। दूसरे के सामने, दूसरे की शक्ति के सामने हतबल हो जाना और अपनी पराजय को स्वीकार करना, अपनी हार को मान लेना, इसका नाम सरेंडर है। किंतु शरणागति में यह भाव नहीं है, शरणागति कुछ अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शरणागति का अंग्रेजी ट्रांसलेशन सरेंडर नहीं है। एक्चुअली सही अगर देखा जाए तो हमारे ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में संभव ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में संभव नहीं है। जैसे आत्मा, आत्मा, आत्मा का क्या करते हैं? सोल, स्पिरिट, स्पिरिट करते हैं, सोल कहते हैं। वो सोल यानी वो भाव नहीं आता आत्मा का, यच्चा आपनोति यदादत्ते वाला जो भाव है ये सोल शब्द में नहीं है, उसी तरह स्पिरिट शब्द में नहीं। ऐसे अनेक शब्द हैं, अध्यात्म के शब्द भी हैं, व्यवहार के शब्द भी हैं। जूठे हाथ से मत छुओ, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? उष्ट हाथाने शिव नका, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? नहीं है शब्द, नहीं है। खरकटा काढ़ा, खरकट है अंग्रेजी में? कोई खरकट का कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। मी सोहळ्यांनी देवळात गेलो होतो, नहीं। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन संभव नहीं है। उसी तरह से शरणागति का भी अंग्रेजी में कोई अर्थ जो है वो डिक्शनरी में निष्पन्न नहीं होता। अंग्रेज कहते हैं सरेंडर मीन्स द एक्ट ऑफ यील्डिंग टू द पावर ऑफ अनदर और द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। हारने का नाम सरेंडर है, दूसरे की शक्ति के सामने स्वयं हतबल हो जाना, इसका नाम सरेंडर है। हमारे यहां शरण शब्द का अर्थ दिया गया है शरणाति दुखम अनेन इति शरणम, जिसके द्वारा दुख का नाश होता है उसका नाम शरण है। कितना फर्क है देखिए, हार जाने का नाम सरेंडर और यहां कहते हैं शास्त्र में कहा गया है शरणाति दुखम, दुख जहां नष्ट हो जाता हो, जिसके द्वारा नष्ट होता हो उसको शरण कहते हैं। और शरणम आगतः, जो शरण में आ जाए उसको क्या कहते हैं? शरणागतः, उसको शरणागत कहते हैं। अब इस शरणागति की हमको कोई आवश्यकता है क्या? अरे हम समर्थ हैं भाई, हम क्यों किसी के सामने झुके? बैंक बैलेंस है मेरा, हाँ मेरे पास दो गाड़ियां हैं, हाँ एक लड़का अमेरिका में पढ़ता है, एक लड़का जर्मनी में पढ़ता है, बीवी है, माँ है, बाप है, हाँ समाज के अंदर प्रतिष्ठा है, सब कुछ है मेरे पास, मैं क्यों किसी की शरण में जाऊं, मैं क्यों झुकूं? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? का म्हणून शरण जायचं? का कशासाठी जायचं? किस लिए? सब कुछ है मेरे पास, दो गाड़ियां हैं, दो बंगले हैं, दो बैंक के अंदर अकाउंट है, दो बीवियां नहीं एक बीवी है, सब कुछ दो दो है मेरे पास, सब कुछ दो दो, मैं क्यों शरण जाऊं? ऐसा है कि किसी का आश्रय लेना ये प्राणी मात्र का स्वभाव है, बिना आश्रय के कोई प्राणी रह नहीं सकता, उसको किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम। जंगम कहते हैं चलने फिरने वाले प्राणी को, स्थावर कहते हैं वृक्ष लता इत्यादि, समझ में आई बात? स्थावर और जंगम। तो ये जितने प्राणी हैं इनको किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है, पैदा हुए
प्राणी पैदा हुआ, मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ, अब पैदा होते ही वो चलने लग जाता है क्या? उसको आश्रय लेना पड़ता है माता का, माता का आश्रय लेना पड़ता है। थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद वो सब कारोबार करने लगता है क्या? नहीं करता, उसको पिता का आश्रय लेना पड़ता है। उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाता है क्या? नहीं होता, उसको गुरुजनों का आश्रय लेना पड़ता, टीचर्स का आश्रय लेना पड़ता। उसके बाद स्वतंत्र हो जाता है, नहीं होता, उसको फिर किसका आश्रय लेना पड़ता है? मित्रों का आश्रय लेना पड़ता। उसके बाद स्वतंत्र होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, उसके बाद उसको पत्नी का आश्रय लेना पड़ता। उसके बाद स्वतंत्र हो जाता है क्या? नहीं, उसके बाद बच्चों का आश्रय लेना पड़ता, उसके बाद जो है बच्चों का आश्रय लेना पड़ता। तो जन्म से मरण तक प्रत्येक प्राणी जो है उसको किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। अब हम लोग इस भवन के अंदर बैठे, हमने क्या किया? इस भवन का आश्रय लिया, वरना बारिश में, ठंडी में, धूप में हम वहां पर परेशान हो जाते। हमने इस भवन का, इस घर का आश्रय लिया, ठीक है। न केवल मनुष्य, देखिए आप, पशु पक्षी भी आश्रय ढूंढते रहते। आपने वो देखा घोंसला चिड़िया का? चिड़िया घोंसला बनाती, देखा आपने चिड़िया का घोंसला पेड़ में होता। चूहा बिल बनाता है, चूहा जो है वो बिल बनाता है, बिल के अंदर रहता, सांप बिल के अंदर रहता। उसी तरह से सारे बंदर है हमारे माणिक नगर, सारे जहां के बंदर माणिक नगर के अंदर बंदर है, वो बंदर वृक्ष का आश्रय लेते, उनको भी आश्रय की आवश्यकता है। और क्या, लताएं, बेल, बेल है, बेल वो अपने आप पड़ती है क्या? नहीं, उसको एक आश्रय चाहिए, किसी पेड़ से लटक के या किसी धागा बांधते हैं कुछ लोग रस्सी बांधते हैं, कुछ लोग वो लकड़ी का, लोहे का ऐसा मंटप टाइप कुछ बनाते हैं, या कोई एक डंडा गाड़ देते हैं, उससे लिपट कर वो बेल जो है चल। वृक्ष भी जब पौधा होता है उसके बगल में एक डंडा गाड़ा जाता है, बांस का एक डंडा गाड़ते हैं और उसको बांध देते हैं ताकि वो वृक्ष जो है वो सीधे ऊपर बढ़े। तो सहारा लेना पड़ता है, आश्रय लेना पड़ता है, शरण में जाना पड़ता है। आप ये कहेंगे मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा तो ये संभव नहीं, शरण में जाना ही होगा। अब सवाल आया, अब किसकी शरण में जाएं? शरण में जाना है ना भाई, तो किसकी शरण में जाएं? तो उसके लिए भी शास्त्र ने कुछ मापदंड निर्धारित किए। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात, जिसकी शरण में हम जा रहे हैं वो हमारे से बड़ा होना चाहिए, हमारे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप इस हॉल की शरण में आए, बारिश से बचने के लिए आप इस हॉल की शरण में आए, ठीक है। ये हॉल आपसे बड़ा है क्या? नहीं, ये हॉल आपसे बड़ा है। आप बारिश से बचने के लिए डालडा के डब्बे में जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते? जिसका आश्रय हम लेते हैं, ठीक है, वो वस्तु, आश्रय प्रदान करने वाली वस्तु बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। घर हमारे से बड़ा है, हम घर का आश्रय, माता हमसे बड़ी है उसका हम आश्रय लेते हैं, पिता हमसे बड़ा है उसका हम आश्रय लेते हैं, कोई धनवान है जिसके पास हम लोन वगैरह ले रहे, व्यापार कर रहे हैं, वो हमसे बड़ा है इसलिए हम उसके पास से, बैंक है, बैंक से हम लोन लेते हैं कारोबार करने के, क्यों? हमारा बैलेंस कितना? 2 लाख रुपए। बैंक का बैलेंस कितना? बैंक में उनका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2 लाख करोड़, तो हमसे बड़ा हो गया वो, ठीक है, तो वो हमसे बड़ा है। दूसरा क्या? दूसरा ये, जिसका आश्रय हम ले रहे हैं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया आपको, बारिश से बचने के लिए आप जो है भवन के अंदर आ जाए, ठीक है, बारिश से बचने के लिए एक कार्डबोर्ड का डिब्बा होता है उसके अंदर घुस सकते हैं क्या?
क्यों? वो जैसे मान लीजिए फ्रिज 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 खरीद के लाते ना, उसका एक डिब्बा होता बड़ा कार्डबोर्ड का, देखा आपने फ्रिज जब लाया आपने नया, होगा एक डब्बा कहीं पड़ा होगा, तो उसके अंदर घुस सकते हैं क्या? क्यों? वो शक्तिशाली नहीं है, हमारे वजन से टूट जाएगा। तो हमसे शक्तिशाली होना चाहिए, दो बातें हो। तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात ये कि हम जिसकी शरण में जा रहे हैं वो स्वयं किसी का शरणागत ना हो। हम जिसकी शरण में जा रहे हैं वो स्वयं किसी अन्य की शरण में ना जाए। हाँ, वो कहते हैं एकादशी के घर शिवरात्रि गई, एकादशी मनी 11 के दिन तक शिवरात्रि हो गई, क्या कहा? वो भी उपवास, ये भी उपवास है ना। जैसे उदाहरण क्या, तो श्रीलंका वाले इंडिया से लोन ले, श्रीलंका की हालत पतली हो गई, तो श्रीलंका वाले इंडिया से लोन ले, और इंडिया क्या वर्ल्ड बैंक से लोन ले, इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है और वर्ल्ड बैंक से लोन लेके श्रीलंका को देता है, तो ये किसी काम का नहीं। ऐसा होना चाहिए हम अगर किसी की शरण में जाए तो वो व्यक्ति जिसकी शरण में हम जा रहे हैं वो अन्य की शरण में न जाए, ऐसे की शरण में जाएंगे तो हमारा काम बने। अन्यथा क्या, हम एक की शरण में गए वो किसी और की शरण में है, वो बोलेगा आज मेरे पास नहीं है मैं कल देखता हूं, वो जो मेरा प्रिंसिपल है जिसके शरण में मैं जाता हूं उसको पूछूंगा, वो मंडे को भेजेगा, वो ट्यूसडे को आएगा, मैं तेरे को वेडनेसडे को दूंगा, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। हम जिसकी शरण में जाए वो क्या स्वयं अशरण होना चाहिए। स्वयं कैसा होना चाहिए? अशरण होना चाहिए। ऐसा कौन है जगत में, ऐसा कौन है जो हमसे बड़ा हो, हमसे शक्तिशाली हो और जो स्वयं किसी की शरण में न जाता हो? ऐसा कौन है? हमारा मामा, मामा हमारा साला, जोरू का भाई, हा? खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, हा? उसकी शरण में जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? वो खुद किसी की शरण में गया, मामा की शरण में नहीं जा सकते, साले की शरण में नहीं जा सकते, माँ की शरण में नहीं जा सकते, बाप की शरण में नहीं जा सकते, बच्चों की शरण में नहीं जा सकते, तो आखिर अब बचा कौन? किसकी शरण में जा सकते हैं? एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण में हम नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। ऐसा कौन है? तो ऐसा केवल ईश्वर है। अब यहां एक और समस्या आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है कि जब हम किसी की शरण में जाते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? पराधीन हो जाते। मान लीजिए मैं आपके पास आया, राम शर्मा के पास आया, ठीक है। अब राम शर्मा के पास आके मैंने कहा राम शर्मा मेरे काम है ऐसा है वैसा है, मुझे 5,00,000 रुपए चाहिए दे दो, हाँ राम शर्मा ने दे दिए। अब क्या हो गया? अब जैसा राम शर्मा बोलेगा वैसा मेरे को सुनना पड़ेगा। उठ बैठ, प्रवचन बंद बंद। मैं क्यों बोलूं 5,00,000 दे रहा, मैं क्यों बोलूं 5,00,000 दे रहा वो, मैं क्यों बोलूं? तो उसके हम पराधीन हो जाते हैं। जिसकी शरण में हम जाते हैं वहां हम पराधीन हो जाते हैं, और पराधीनता दुख का कारण है। पराधीनता जो है, हाँ, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, परवशता जो है ये दुख है। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, तो क्या हो गया? अब हम क्या हो गए? हम पराधीन हो गए, मुक्ति तो है ही नहीं, पराधीन हो गए। जिसकी शरण में गए पराधीन हो गए, मोक्ष तो है ही नहीं, सुख तो है ही नहीं, दुखी हुआ। तो वहां ऐसा है कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर पर नहीं है, ईश्वर क्या है? पर नहीं है, ईश्वर क्या है? स्व है, वो हमारा स्वरूप है। अगर वो पर होता, पर यानी कैसा?
दूसरा अन्य होता तो हम उसके गुलाम बनते। किंतु प्रश्न यह है कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो एक दृष्टि से हम क्या अपनी ही शरण में जा रहे हैं? हम वहां स्वाधीनता है, वहां पराधीनता का सवाल नहीं है, क्योंकि ईश्वर को पर नहीं कहा जा सकता। अगर पर बोलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम डेड हो जाएंगे। ईश्वर को अगर हमने पर कहा, यानी हमारे से कोई मतलब नहीं, दूसरा ही कोई है, तो फिर क्या हो गया? फिर आप बोलते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप खाते कैसे हो, हंसते कैसे हो, पीते कैसे हो, रोते कैसे हो, गाते कैसे हो, ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। हंसते हो, बोलते हो, चलते हो, खाते हो, पीते हो, रोते हो, गाते हो, इसका मतलब क्या? ईश्वर जो है वो अंदर बैठ के इस शरीर को चला रहा है। तो ईश्वर पर हुआ क्या? आउटसाइडर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ईश्वर की शरण में जाने का लाभ यह है कि हम पराधीन नहीं होते। ठीक है, इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय में ये कहा, क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये दो श्लोक है, 18वें अध्याय में 61वां श्लोक और 62वां श्लोक। पहले उन्होंने क्या किया, 61वें श्लोक में उस ईश्वर का वर्णन किया। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, सभी भूतों के, सभी प्राणियों के, सभी जीवों के हृदय में रहने वाला। और क्या? भ्रामयन सर्वभूतानि, इन सबको चलाने वाला, सभी भूतों को चलाने वाला। अब आपको भूख लगी क्या? नहीं, किसी को तो लगी होगी ना। अच्छा देखिए, कमाल देखिए, कुछ लोगों को भूख लगी, कुछ लोगों को नहीं लगी, किसके कारण? अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है उसके कारण। वो कैसा करता है काम? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, अपनी माया से जिस प्रकार यंत्र घूमता है, पंखा है, पंखा यहां नहीं है, पंखा 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 है, तो पंखा कैसे घूमता है? पंखे के अंदर घूमने का सामर्थ्य है क्या? हमने बाजार में एक पंखा खरीदा, ठीक है, बाजार में पंखा खरीदा, उसने क्या किया? उसने हमको पंखा दिया, ठीक है, हमने पंखा हाथ में पकड़ा, पकड़ के उससे बोले, क्या ये घूमता ही नहीं है? ये पंखा घूमता नहीं है। वो क्या बोलेगा? वो क्या करे? वो बोले, क्या बोलेगा दुकान वाला? कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद घूमेगा। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, पावर का सोर्स क्या है? ईश्वर है। और ये सारे भूत जो घूम रहे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे, फिर भूख लगती, फिर खा रहे, ऐसे ये जो सारे प्राणी हैं, इनका जो चलना फिरना, बोलना, हंसना वगैरह है, वो सब जो है उस जैसे यंत्र घूमता है, उस तरह से परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति से होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। अब तमेव शरणम गच्छ, ऐसा जो ईश्वर है उसी की शरण में जा। तम एव, तम यानी उसकी, एव यानी उसी की, त्याचात उसी की, तमेव शरणम गच्छ, ठीक है, शरण में चले गए। कैसे? सर्वभावेन भारत, वहां भी भगवान क्या एक राइडर लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, शरण में जाना काफी नहीं है, शरण में जाना काफी नहीं है, सर्वभावेन गच्छ, सभी प्रकार के भावों के साथ, तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं उनको लेके जाओ तुम शरण में। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, भगवान के, तो
सर्व भावेन सब प्रकार से शरण में जाओ। ठीक है, चले गए शरण में, फायदा क्या शरण में जाने का। तत्प्रसादात पराम शांति, उसके प्रसाद से, उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से तुमको क्या प्राप्त होगा? पराम शांति। शांति यानी क्या? आपको शांति का अनुभव होता कभी? कभी ना कभी तो होता होगा। कब? निद्रा में शांति। ठीक है, सारा काम खत्म करने के बाद, घर का सारा व्यापार का, दुकान का, सब कुछ काम करके जब आप सो जाते हैं तो उस समय जो है शांति हो जाती है, कोई चिंता नहीं। पैसे की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, पति की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, झगड़े की चिंता नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं। ठीक है, शांत होता है। उसको पराम शांतिम कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते? सुबह उठते ही जब फोन खोलते हैं हम, उसके अंदर 25 व्हाट्सएप मैसेज होते हैं। ठीक है, अब वो 25 व्हाट्सएप में से 12 12.5 दुख देने वाले, 12.5 सुख देने वाले होते। ठीक है, अब वो देख के बिस्तर से उठते ही आदमी परेशान हो जाए। ठीक है, तो ये जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे शांति मिली, उसके बाद पुनः अशांति आ जाती है, फिर से अशांति आती है। पराम शांति का अर्थ क्या? एक बार शांति प्राप्त हो जाए उसके बाद फिर अशांति का कोई सवाल, पराम शांतिम एक स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अच्छा, पराम शांति की बात, बचपन में जब आपको, जब आप 1 साल के 1.5 साल के 2 साल के थे, तो आपको किसी का भय हुआ, किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपको मारा, किसी ने आपको चिमटी काटी, किसी ने कुछ किया, तो आप क्या करते? माँ की गोद में जाके, बैठने के बाद फिर वहां कोई भय होता था क्या? वो आएगा, मामा आएगा चिढ़ाएगा, वो मावशी आएगी चिढ़ाएगी, वो काका आएगा काटेगा, वो मारेगा, ये डांटेगा, ये आंख दिखाएगा, ऐसा कोई भय होता था क्या? है नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो है माँ की शरण में चले गए, वहां जाके बैठ गए। वहां बैठने के बाद पराम शांति। माँ की गोद में क्या? थोड़ी देर के लिए शांति। ईश्वर की गोद में जाके बैठ गए, पराम शांति। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और शाश्वत ऐसा स्थान प्राप्त कर लोगे तुम, शाश्वत स्थान। अब जो आपका स्थान है, जिस स्थान पर आप हैं, किसी घर में हैं, परिवार में किसी पोजीशन में हेड ऑफ द फैमिली हैं, परिवार में हाउसवाइफ हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, किसी ऑफिस में, कंपनी में डायरेक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, जो स्थान है, वो स्थान शाश्वत है क्या? वो स्थान मान लीजिए आप में से कोई है, ठीक है, वो एक क्या, एक डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, उसका स्थान शाश्वत है क्या? जैसे ही वो 60 साल का हो जाएगा, उसको घर भेज देंगे। अभी हाल में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मैंने देखा, बड़ा बुरा लगा मुझे। हाँ, वो 5 साल तक राष्ट्रपति रहे, जब उनका टर्म समाप्त हुआ तो फिर जो है जुलूस निकाल के उनको, इधर 25 घोड़े उधर 25 घोड़े, हाँ, मर्सिडीज गाड़ी, बेंज कार में बिठा के 25-25 घोड़ों की सलामी और घोड़े ओड़े लगा के जुलूस निकाल के राष्ट्रपति भवन से बाहर। राष्ट्रपति की वो हालत है, आपकी क्या हालत? आप तो मामूली है। वो राष्ट्रपति का स्थान सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री 3 पहिए की कुर्सी पे हैं?
कितने मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी के चार पहिए नहीं है, तीन ही पहिए हैं, ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं? शाश्वत नहीं है भाई। एक 20-25-50 एमएलए निकल गए कहीं तो क्या करोगे? रातों रात बॉर्डर क्रॉस करके चले गए, जाके आसाम में जाके बैठ गए, अब क्या करोगे? शाश्वत नहीं। अच्छा जाने दो, आपका घर वो शाश्वत है क्या? उसके अंदर आप आराम से शाश्वत रह सकते क्या? नहीं। वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, हा? वहां पैदल ही जाना है, तो एक दिन निकलना है, तो घर शाश्वत हुआ क्या? आपकी पोजीशन एज पति शाश्वत है क्या? आपकी पोजीशन एज पत्नी शाश्वत है क्या? कोई भी चीज शाश्वत नहीं जगत में। अच्छा कहीं किसी लोक में गए, वहां शाश्वत रहेंगे क्या? फिर वहां से कुत्ता, बैल, घोड़ा, गाय, सांप, बिच्छू, बिल्ली, मनुष्य, फिर घोड़ा, फिर गाय, फिर मनुष्य, ये चलता रहेगा चक्र। शाश्वत स्थान कोई नहीं है। भगवान यहां कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी की शरण में जाओ सब प्रकार से, तत्प्रसादात पराम शांति, उसके प्रसाद से परम शांति प्राप्त होगी, और स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, शाश्वत ऐसा स्थान प्राप्त होगा। ये बार बार ट्रांसफर होना अच्छी चीज है क्या? एक जगह हमको मिल जाए आराम से, एक घर जो भी हो जहां भी हो आराम से रहें तो सुख। आपको मान लीजिए 3 महीने बाद ट्रांसफर, आज कहां तो आज विशाखा पर, कल कहां, कल कलकत्ता, परसों कहां गुलबर्गा, गुलबर्गा से बीदर, बीदर से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से और कहां पंजाब, पंजाब से बंबई, बंबई से पुणे, ऐसे अगर आपको घुमाते रहेंगे अच्छा लगेगा क्या आपको? अच्छा नहीं लगेगा, सुख नहीं है उसमें। बोरिया बिस्तर बांधो निकलो, फिर बोरिया बिस्तर बांधो, फिर खोलो, फिर निकालो, चलने वाली बात नहीं। तो इसलिए जो है स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। और देखिए शरणागति की महत्ता क्या है। शरणागति की महत्ता एक संत ने बड़ी सुंदर बताई है कि जो जाको शरणौ गहे ताकही ताकी इलाज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। अर्थ यह है इसका कि जो जिसकी शरण में चला जाता है, अगर किसी की शरण में आप चले गए तो जिसने आपको शरण दिया वो आपकी लाज की रक्षा करता, आपके मान सम्मान सबकी रक्षा करता, उसकी जिम्मेदारी हो गई। उदाहरण क्या, उल्टे जल मछली चले, मछली जो है वो जल की शरणागत है, जल की शरण में चली जाती, जल से 1 मिनट भी बाहर नहीं रह सकती। शरणागति का भाव देखिए, जल से जो जल की शरण में चला गया मछली, आप लोग नहाते क्या नहीं गंगा में, उधर में स्विमिंग पूल में, वहां यहां तो जल की शरण में जाते हैं क्या? नहीं, 10 मिनट बाद बाहर आ जाते, वो शरणागति नहीं है, वो टेम्पररी है, 10 मिनट नहा लिए बाहर आए। मछली जो है वो जल की शरणागत है, जल के अंदर शरणागत हो। अब वो मछली जो है पानी का बहाव मान लीजिए ऐसा है, ऐसा बह रहा पानी, मछली जो है इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, उधर भी जा सकती। पानी का प्रवाह मछली को प्रभावित करता है क्या? पानी का प्रवाह, पानी का जल का जो प्रवाह है वो मछली को प्रभावित करता है क्या? नहीं करता। मछली जो है वो उल्टी दिशा में भी ऊपर की ओर भी मछली आराम से जा सकती है, किंतु भयोजात गजराज, हाथी अगर पानी के अंदर नदी के अंदर गिरा और प्रवाह अगर तीव्र है तो हाथी उल्टा जा सकता है क्या? पानी के प्रवाह के विरुद्ध हाथी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, हाथी नहीं जा सकता, मछली जा सकती। अच्छा हाथी में मछली में शक्तिशाली कौन है? हाथी में मछली में शक्तिशाली कौन है? हाथी। मगर वो मछली जो है जल की शरण हो गई इसलिए उसको शक्ति प्राप्त हो गई, वो उल्टे प्रवाह में भी चल सकती है। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायाम एताम तरंतिते, ये माया जो है पार करने के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान स्वयं कहते ये मेरी है माया और ये पार करने के लिए कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आते हैं, जो केवल मेरी शरण में आते हैं, मायाम एताम तरंतिते, वो जो है इस माया को पार कर जाते हैं। ऐसी महत्ता है शरणागति, मामूली बात नहीं है शरणागति, इतनी महत्ता है उसके अंदर। उदाहरण क्या, पुराण में अनेक उदाहरण है, महाभारत में, रामायण में अनेक उदाहरण, अनेक उदाहरण। रामायण में कौन सा है, विभीषण का उदाहरण। विभीषण जो है वो क्या हो गया, कौन था विभीषण, वो रावण का भाई, वो शरणागत हो गया। सुग्रीव शरणागत हो गया। महाभारत का उदाहरण कौन सा, द्रौपदी, जब साड़ी खींची जा रही थी तो एक हाथ से साड़ी के इसको पकड़ रखा था, हाँ, तो भगवान प्रकट हुए क्या, नहीं हुए। जब शरणागत दोनों हाथ छोड़ दिए तब जो है भगवान प्रकट हुए, ठीक है। तो द्रौपदी है, सुग्रीव है, विभीषण है, प्रहलाद है, ध्रुव है, ये सारे उदाहरण, अनेक अनेक उदाहरण। एक दृष्टांत ऐसा है, एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक गाय चल रही, जंगल में एक गाय चल रही, एक शेर कहीं से आ गया, शेर को देखते गाय भागने लगी, शेर भी गाय के पीछे पीछे भागने लगी। वहां पर एक तालाब था, तो शेर से अपने आप को बचाने के लिए गाय ने तालाब के अंदर छला। वो तालाब कैसा था कि उसके अंदर दलदल था, कीचड़ था, उसके अंदर कीचड़ था, तो गाय एक तरफ गई, कीचड़ के अंदर फंस गई, निकल नहीं रही। शेर भी जो है उसके पीछे पीछे भागा, शेर ने भी छलांग लगाई, वो भी जो है कीचड़ के अंदर फंस गई, कीचड़ के अंदर फंस गई। अब शेर कोशिश कर रहा किसी तरह से, अब वो कीचड़ जो होता है ना, वो अनेक वर्षों तक पानी में भीगा होने के कारण वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या आप बोलेंगे, सीमेंट से ज्यादा वो उसकी पकड़ होती है, बहुत मजबूत होता है। उसके अंदर कोई गिर गया दलदल के अंदर तो निकलना आसान नहीं है। तो वहां पर वो शेर गिर गया, इधर वो गाय गिर गई बिल्कुल नजदीक। शेर कोशिश कर रहा है गाय की तरफ जाने की, पहुंच नहीं पा रहा। शेर उसको अपने नाखून दिखा रहा है, शेर उसको अपने दांत दिखा रहा है, शेर गर्जना कर रहा है, सब कुछ कर रहा, मगर वो जा नहीं पाता। अचानक जो है वो गाय हंसने लगी, गाय क्या हंसने लगी। जैसे ही वो गाय हंसने लगी, शेर को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा आया उसको, उसने हंसने को क्या हुआ, खुद फंसी है वहां पर, मैं भी फंसा हूं, तू क्यों हंस रही। तो गाय ने कहा ऐसा है, शाम तक इंतजार करो, शाम तक इंतजार करो, मेरा मालिक है वो आएगा, मुझे ढूंढते हुए आएगा, रस्सी डालेगा, क्रेन बुलाएगा, बुलडोजर बुलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, मुझको बाहर निकाल, तुझे कौन निकालेगा, तुझे कौन निकालेगा। यह महत्व है शरणागति का। अब प्रश्न ऐसा है कि हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, जाने की इच्छा भी है, हम प्रयत्न भी करते हैं, और मान लीजिए ईश्वर ने हमको शरण न दी तो अभी मोह जात हो, अभी शरणागत मनु जा प्रभु जोड़ जा प्रभु मंडला गेट आउट, तो क्या करें, तो क्या करें, है ना सवाल। हम गए प्रभु की शरण, प्रभु कहता गेट आउट, तो क्या होगा। उसके लिए भी शास्त्र में प्रमाण ऐसा है कि लोभात द्वेषात भयात भापि यस्तजेत शरणागतम ब्रह्म हत्या समम तस्य पापमाहुर मनीषिणः। ब्रह्म हत्या समम तस्य पापम आहुर मनीषिणः। शरण में जाने वाले को शरण्य जो है इनकार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो फिर ईश्वर नहीं है।
करेगा तो फिर वो ईश्वर नहीं। शास्त्र कहता है लोभात, लोभ के कारण, लोभ के कारण, द्वेषात, द्वेष के कारण, भयात, भय के कारण। इन कारणों से अगर कोई शरण में आने वाले का तिरस्कार कर दे, कैसे, मान लीजिए अब आप, ठीक है, आप मेरी शरण में आए, आप मेरी शरण में, अब मैं ये विचार करता हूं ये एक आ गया मेरी शरण में, ठीक है, अब इसको खिलाओ पिलाओ, इसको रखो, खर्चा होगा, हाँ खर्चा होगा, हाँ अब क्या, तो इसलिए जो है इसको कट कर देते हैं। लोभात, धन के लोभ में शरण में आने वाले को मैंने कट कर दिया। द्वेषात, आया एक आदमी शरण में, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, फिर मैं याद करता हूं क्या 5 साल पहले इसको मैंने ये कहा था, उसने नहीं किया मेरा काम, क्या उसने जो भी कुछ है उससे मेरा द्वेष है, उस द्वेष के कारण मैं उसको कट, नको बाबा तू मेरी शरण में आने की जरूरत। भयात, ठीक है, कोई आया शरण में, मुझे किसी का भय है, त्याला शरण दे तो बगा महाराज तुम्हारा बगुल दे, तो होता ना ऐसा, किसी और का भय, गवर्नमेंट का भय, एमएलए का भय, एमपी का भय, तहसीलदार का भय, पुलिस वाले का भय, हाँ वो आ रहा है कौन फलाना कशाड़कर पुणे से आ रहा है, उसको जो है शरण दोगे तो फिर देख लेना हम आपका इंतजाम कर दे, तो महाराज क्या बोलते तुम्हें जाओ, ठीक है। लोभात, द्वेषात, भयात वापी यस्त्यजेत शरणागतम, जो शरणागत का त्याग कर देता है उसको शास्त्र ने क्या कहा, ब्रह्म हत्या समम तस्य पापमाहुर मनीषिणः, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप प्रभु की शरण में जाए और प्रभु आपका तिरस्कार करें, हो सकता है क्या ऐसा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पाप है, ब्रह्म हत्या सम पाप है, और मामूली पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप ब्रह्महत्या जैसा पाप, ऐसा पाप ईश्वर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ऐसा पाप ईश्वर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है शरणागत को जो है उसका तिरस्कार जो है वो प्रभु कभी भी नहीं कर सकता, बाकी बातों में आपको कट कर सकता, आपने जप किया, ठीक है, आपने जप किया, वो जप सही नहीं हुआ इसलिए कट कर सकता, आपने नमस्कार किया वो नमस्कार विधि पूर्वक नहीं हुआ इसलिए आपको कट कर सकता, आपने पारायण किया वो पारायण ठीक से नहीं हुआ इसलिए आपको कट कर सकता है, आपने उपवास किया, उपवास किया, उपवास मुंजान हेड संजीता ने ये नहीं, 3 दिन लोट कुछ नहीं खाया, सुबह से लेके रात तक कुछ नहीं खाया, मैं उपवास में ऐसा है कि मत खाओ मगर किसी खाने की वस्तु को देखकर उसको खाने की इच्छा भी अगर जागृत हो गई तो उपवास टूटा, टूट गया, सोमवार का उपवास है, ठीक है। अब सोमवार का उपवास क्या कि कुछ नहीं खाना, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, शाम में प्रदोष पूजा के बाद एक भुख एक बार खाना, सोमवार का उपवास। अब दोपहर में दूसरे लोग खा रहे, दूसरे लोग शेंगा चटनी है क्या, शेंगा चटनी है ना, हमारा सोमवार है, वार्ता से क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ये इच्छा भी अगर जागृत हो गई तो वहां आपका, तो इसलिए उपवास किया, वो उपवास के अंदर दोष आ गए उसको प्रभु कट कर, इसका उपवास फेल, इसका जप फेल, इसका पारायण फेल, इसका तीर्थ यात्रा फेल, हाँ इसका दान फेल, दान करते हैं लोग प्रभु की हुंडी में, तिरुपति बालाजी की हुंडी में हजारों रुपए लाखों रुपए डालते हैं, ठीक है। अब डालने के बाद इनको लगता है कि हमने हुंडी में इतना डाला अब वो भगवान बालाजी प्रसन्न हो जाएगा, वो डालते समय सोचते हैं फिर क्या, क्या सोचते हैं, हाँ
तो ज्यादा हो गया शायद, इतना नहीं लाना था, 10,000 रुपए काफी थे, हम चुपी 20,000 लेके आए, ऐसा सोच के 20,000 डालते। वो मैंने आपको बताया ना, लोग आते हैं दर्शन के लिए तो उनको याद नहीं रहता कौन सी नोट कौन सी जेब में, कौन सी नोट कौन सी जेब में याद नहीं रहता, 10 के 20 के यहां रखने चाहिए, एक तरीका 500 के यहां हा? और 100 के यहां, ऐसा हिसाब होता। वो गलती से कभी क्या हो जाता, 500 का यहां आ जाता, दर्शन के लिए लाइन लग गई, आए खट से नोट निकाल, अब वो महाराज देख रहा, अब देख रहा है, महाराज भी देख रहा है, भक्त भी देख रहा, वापस डाल सकते हैं क्या आप? अब नहीं डाल उसको, अब मजबूरी में आके 10 का निकालना चाहता था, 500 का निकल गया, क्या कर सकते? ऐसा दान जो है वो दान के फल को काट सकता है, प्रभु उसको रिजेक्ट कर सकता है, एक ही चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, एक ही चीज ऐसी है जिसको प्रभु रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या है? शरण, वो शरण। अब शरणागति की विधि क्या, किस प्रकार से हम शरण जाए, तो कहा गया है शास्त्र में षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार से हम शरणागति कर सकते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासा गोप्तत्वे वरणं तथा कार्पण्यम आत्मनिक्षेप षड्विधा शरणागति। कौन कौन से? आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो ईश्वर के अनुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है उसका संकल्प, संकल्प यानी क्या, उसका निश्चय। आज जो है क्या है, आज गुरुवार है, आज सायंकाल 4 बजे प्रभु महाराज के मंदिर में आरती होगी विशेष गुरुवार की, उस आरती में मुझे सम्मिलित होना है, यह संकल्प, यह संकल्प। कल क्या है, कल जो है शाम में प्रदोष पूजा होगी, उस प्रदोष पूजा में मुझे सम्मिलित होना है, यह संकल्प, आनुकूल्यस्य संकल्प और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। दूसरा, पहला क्या, जो अनुकूल है परमात्मा की उपासना के लिए, जो जो अनुकूल है उसका संकल्प करना, उसका निश्चय करना, उस प्रकार आचरण करना, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, और जो जो उसके प्रतिकूल है उसको वर्जित करना, उसको वर्जित करना। जैसे शाम में 8 बजे प्रदोष पूजा भजन है, ठीक, शाम में 8 बजे प्रदोष पूजा और भजन है, उसी समय शाम में 8 बजे टीवी पर कौन सा सीरियल आता है, हा? कोई एक सीरियल मान लीजिए, कोई एक सीरियल आता है XYZ, वो सीरियल आता है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो प्रतिकूल है, कौन सा, वो आपको रोक रहा है प्रभु मंदिर में जाने से, रोक रहा है, कौन सा, टीवी सीरियल, तो वर्जनम, उसको क्या, वर्जित कर देना, उसको बंद कर देना। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जन, 2 बातें हो गई। तीसरा कौन सा, रक्षिष्यति इति विश्वासः, जिसकी शरण में हम जा रहे हैं वो अवश्यमेव हमारा रक्षण करेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तीसरी बात, हमारा सगड़े लोक चालले म्हणून आम्ही पण गेलो होतो, पण आमचं कसं आहे, आम्हाला इथून माणिकनगरवरून उद्या तुळजापूरला जायचं, तो तुळजापूरून कुठं जायचं आहे, तुळजापूरून पंढरपूरला जायचं, पंढरपूरून कुठं, पंढरपूरून सरळ बालाजी, आणि बालाजीहून कुठं जातो, बालाजीहून पुढे रामेश्वरम करत श्रीशैल करत निघालो असंच, मग शरण कोणाला जाणार आहे,
സത്യമായി നിവാരണം രക്ഷിഷ്യതി ഇതി വിശ്വാസ രക്ഷിഷ്യതി വോ ജോ ഹേ ഹമാരാ രക്ഷണ അവശ്യമേവ കരേഗാ ഐസാ ക്യാ ഹോതാ ഹേ വോ വിശ്വാസ ഹമാരെ പാസ് ഹം ജാതേ ഹേ ശരണ ജാതേ ഹേ മഗർ വഹാ സന്ദേഹ കി ഭാവന ലേകേ ജാതേ तो संदेह की भावना लेके जाने से फिर क्या हो जाता है, फिर प्रभु बोलता है ठीक है जाओ, लौकरात लौकर निगाह बोलता है तो जल्दी से जल्दी निकलो, छुटो यहां से। और उसके बाद क्या, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्वे वर्णम, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं इंद्रियों को, हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों के द्वारा प्रभु का वर्णन करना, सभी इंद्रियों के द्वारा गोप्तृत्वे वर्णम, यानी क्या, सभी इंद्रियों के द्वारा प्रभु का वर्णन करना, सभी इंद्रियों के द्वारा यानी क्या, कान से प्रभु का भजन सुनना, महात्म्य सुनना, कथा सुनना, प्रभु का वर्णन सुनना, आंखों से प्रभु का रूप देखना, वाणी से गुणगान करना, हाथों से सेवा करना, पैरों से प्रदक्षिणा करना, सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियों से, सभी मन बुद्धि चित्त, न केवल हाथ पैर आंख, मन बुद्धि चित्त, इनसे भी जो है गोप्तृत्वे वर्णम, इन इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा करना, परमात्मा की, ईश्वर की सेवा करना, ये एक प्रकार है शरणागति का। पांचवा क्या, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, उसके बाद क्या, कार्पण्यम, कार्पण्यम यानी क्या, कार्पण्य यानी जिसकी शरण में हम जाते हैं, जब हम शरण में जाते हैं तब हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, मैं बहुत बड़ा हूं, इस भाव के साथ शरण में जाया जा सकता है क्या? तू अगर बहुत बड़ा है तो जा अपना आप देख ले, तू अगर बड़ा है तो जा अपना हिसाब खुद देख ले, मेरे पास क्यों है? मीमोठा दम्बहा हटवा, मीमोठा दम्बहा हटवा, कार्पण्य कहते हैं अपने को छोटा गिन, अपने को छोटा गिन। और कल्पना भी कीजिए, कल्पना कीजिए, कल्पना ऐसी कीजिए कि बहुत दूर जाने की, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी करोड़ों वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, उसके अंदर आपने वो ये देख, चल गूगल अर्थ देखा, गूगल अर्थ कितने लोगों ने देखा, गूगल अर्थ, वो अंतरिक्ष से पृथ्वी की फोटो नित्य जो है, अमेरिका वाले, नासा वाले, कोई कोई संस्था है गूगल वाले, वो नित्य जो है पृथ्वी की फोटो लेके अपलोड करते, हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उसको बड़ा करके देख सकते हैं, ये क्या है, ये बीदर जिला कर्नाटक है, ये बीदर जिला है, ये माणिक नगर है, माणिक नगर में ये क्या प्रभु मंदिर परिसर है, ये सारा ऐसा बड़ा करके देख सकते हैं। उसमें गूगल अर्थ में आप कितना भी बड़ा उसको मैग्निफाई करो, आप कितने दिखाई दो कंपेयर टू ये सारा पृथ्वी या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी बात है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उसके अंदर आप, माणिक नगर, हैदराबाद जैसा शहर, बंबई जैसा शहर मैप के अंदर एक डॉट में दिखाई देता, डॉट बॉम्बे, एक डॉट लाल रंग का एक डॉट बनता बॉम्बे, उस बॉम्बे में 2 करोड़ लोग रहते हैं, डॉट इतना सा होता, उसके 2 करोड़ हिस्से कीजिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी आपकी वैल्यू, पुणे एवढंच आहे तुमचं, पुणे, पुण्याच्या लोकांना आम्ही पुण्याचे पुणे फार मोठंच वाटतं, कसलं पुणे, एवढंच आहे पुणे, हैदराबाद वालों को हैदराबाद बड़ा दिखाई देतो, मॅप में जाके देखो इतना सा हैदराबाद, उस हैदराबाद उस मॅप की कंपैरिजन में, उस मॅप के अनुपात में आपकी हैसियत कितनी है, सोचिए। तो इसलिए जो है कार्पण्यम,
अपने आप को छोटा विनम्रता के साथ जब जाएंगे तो वहां जो है वो शरणागति स्वीकार करती है। इसीलिए हमारे पुराने मंदिरों में, पुराने घरों में आप देखिए दरवाजे हमेशा उसमें जाते समय झुक के जाना पड़ता था, झुक के जाना पड़ता था, ठीक है। अगर अकड़ के गए तो फिर तत्काल मोक्ष, तत्काल वहां मोक्ष की प्राप्ति। अकड़ के गए वहां झुक के जाना पड़ता। आजकल हमने क्या किया, बड़े बड़े दरवाजे, हमारी संस्कृति में दरवाजे छोटे 5 फीट के, आदमी 5.5 फीट का, अकड़ के जाएगा तो माथा फूट जाएगा, नम्रता से जाना होगा। यहां जाइए आप मनोहर माणिक प्रभु का दर्शन करने के लिए, जाइए आप प्रभु मंदिर के पीछे गुफा है ना मनोहर माणिक प्रभु, वहां जाके दर्शन करके देखिए अकड़ के। तो शाम को पट्टी बांधनी पड़ेगी, टिटेनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कार्पण्य, उसके बाद क्या अंतिम छठा आत्मनिक्षेप, गोप्तृत्वे वर्णन तथा कार्पण्यम आत्मनिक्षेप षड्विधा शरणागति आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप यानी क्या, आत्मनिक्षेप यानी आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप जो व्यापक है, व्यापक है क्या नहीं, व्यापक है, चारों ओर फैला हुआ है, अनंत अनंत है, उसके अंदर अपने स्वरूप को मिला देना, निक्षेप करना यानी क्या, उसके अंदर रखना, डाल देना, ऐसा भाव, निक्षेप शब्द का अर्थ है डालना मिलाना। उदाहरण क्या, तो हवा जो है वो चारों तरफ है क्या नहीं, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, कठोपनिषद। तो वायु सर्वत्र है। एक बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर वायु है क्या नहीं, उस गुब्बारे को एक पिन से चुभाकर उस गुब्बारे के अंदर की हवा को बाहर की हवा में मिला देने का नाम आत्मनिक्षेप। समझ में आई बात, आपके पास एक लोटा है, उस लोटे के अंदर जल है, ठीक है, आपने उस जल को ले जाके समुद्र के अंदर डाल दिया, क्या होगा, ओरिजिनल उसका जो स्वरूप है, ओरिजिनल जो उसका सोर्स है, जहां से वो वस्तु आई थी वहां उसको मिला दिया। आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ है अपने स्वरूप को, अपने जीव स्वरूप को, व्यापक ऐसा जो आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, उसके अंदर डाल देना। अच्छा, उसके अंदर डाल देने के बाद फिर वापस मैंने जो डाला था वो कहाँ है, ऐसा ढूंढ सकते हैं क्या, आप गए एक लोटा पानी लेके बंबई जो बीच के ऊपर, जो बीच ले जाऊ भक्त करुण भक्त, एक तांबे पानी घेऊन जायचं घरात, जू बीच पर जायचं, समुद्रात टाकायचं, मी टाकलेलं पाणी कुठं शोधायचं, मिळेगा क्या। बच्चे ने जो गुब्बारा फोड़ा, बच्चे ने जो गुब्बारा फोड़ा और उसके अंदर की हवा, हवा के अंदर मिल गई, अब वो बच्चा रोने का, माया सोड़ ले, हवा कुठं गेले ते आना बाबा, कुठं आना आता, ला सकते हैं क्या वापस, नहीं ला सकते। उस तरह से अपने को परमात्मा स्वरूप के अंदर मिला देना, मिला देना, मिला देना यानी क्या, अपनी खुद की आइडेंटिटी को मिटाना, अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है उसको मिटाना, मिटाना यानी क्या, हमारी आइडेंटिटी क्या है, मेरा एक नाम है, मेरा एक रूप है, मेरा एक कुल है, मेरा एक गोत्र है, मेरा एक परिवार है, मेरी एक संपत्ति है, मैं देह हूं यह भावना है, मैं पति हूं यह भावना है, मैं बाप हूं यह भावना है, मैं बेटा हूं यह भावना है, मैं गुरु हूं यह भावना है, मैं शिष्य हूं यह भावना, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये मेरी आइडेंटिटीज हैं। मैं अमुक का पुत्र हूं,
ये एक आइडेंटिटी, मैं अमुक का शिष्य हूं ये एक आइडेंटिटी, मैं अमुक का गुरु हूं ये एक आइडेंटिटी है, मैं अमुक का पिता हूं ये एक आइडेंटिटी है, मैं अमुक का पति हूं ये एक आइडेंटिटी है, मैं अमुक घर का मालिक हूं ये एक आइडेंटिटी है, मैं अमुक कंपनी का मालिक हूं ये एक आइडेंटिटी है, ये सारी आइडेंटिटी, मैं अमुक जिले का तालुके का क्या MLA हूं ये एक आइडेंटिटी है, मैं प्रधानमंत्री हूं ये एक आइडेंटिटी, मैं राष्ट्रपति हूं ये एक आइडेंटिटी, ये सारी जितनी आइडेंटिटीज हैं अपनी जो हमको परमात्मा स्वरूप से भिन्न करती हो, उन सारी आइडेंटिटीज को मिटाना, मतलब क्या, जो मूल आपका स्वरूप है उस मूल स्वरूप को परमात्मा स्वरूप में ऑटोमेटिक मिलाने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाता, गुब्बारे को गुब्बारे में की हवा को छोड़ना पड़ता है क्या, उसके कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्ञान का पिन, ज्ञान का पिन गुब्बारे में चुभा दो हो गया, एक हो गया सब। उसी तरह से षडविधा शरणागति, ये शरणागति जो है छह प्रकार की है, छह। अच्छा अब इसके अंदर से कौन सा विधान लें, इसके अंदर से कौन सा उदाहरण दे, तो ऐसा है उत्तरोत्तर अधिकाधिक फल देने वाला, एक में जो फल है उससे दो में ज्यादा फल, दो में जो फल है उससे तीन में ज्यादा फल, तीन में जो फल है उससे चार में फल है, चार चौथे से ज्यादा पांचवे में है, पांचवे से ज्यादा छठे में, महाराज फिर ऐसा है फिर मैं छठा शुरू कर देता हूं आप, नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते, एक नंबर से शुरू करना पड़ेगा, एक नंबर क्या है, आनुकूल्यस्य संकल्पः, जो अनुकूल है उसका पहले संकल्प करो, जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करो, उसका प्रतिषेध करो, उसके बाद क्या, दृढ़ विश्वास रखो कि शरण में जाऊंगा तो प्रभु अवश्य रक्षा करेगा, ये दृढ़ विश्वास रखो, तीन बातें हुई, गोप्तृत्वे वरणम, अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा जो है परमात्मा की आराधना करो, उसके बाद अपने आप को छोटा गिनो, और अंत में क्या करो, आत्मनिक्षेप। तो इसलिए जो है ये शरणागति की बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने सोचा कि आज की इस पूर्णिमा के दिन इसके ऊपर थोड़ा सा विचार मंथन किया जाए। प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि शरण में जाने की बुद्धि प्रभु आप है, क्योंकि जो है वो बुद्धि जो है सहसा प्राप्त नहीं होती, वो बुद्धि अनायास प्राप्त नहीं होती, वो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है, और प्रभु महाराज आपके ऊपर कृपा करें, अपनी शरण में आपको स्थान दे, ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।